हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सातवीं कक्षा की गणित कार्य पुस्तिका के पहले अध्याय के हल के अगले भाग में आपका स्वागत है। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है। और ये हम चैप्टर वन का दूसरा पार्ट यहाँ कर रहे हैं। पहले पार्ट का लिंक यहाँ देखो, आपको ऊपर यहाँ एक आई बटन मिलेगा आपके फ़ोन में। जब आप ये लेक्चर देखोगे उस आई बटन पर पहले लेक्चर का लिंक आ जाएगा। इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप इसका पहला पार्ट देख सकते हो। तो हमारा चल रहा था बेटा क्वेश्चन नंबर 9, और उसके दो पार्ट्स मैंने पहले करा दिए थे, ये उसका तीसरा पार्ट है। यहाँ पर आपको चार संख्याएँ -1, -2, -3 और -4 घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4 दी गई हैं, और वही चार संख्याएं यहाँ दी गई हैं और उनके बीच में ये गुणा का निशान है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना था कि एक संख्या इधर से और एक संख्या इधर से ले ली, ठीक है। अब देखो ये कौन सी संख्या, इधर वाली संख्या है -1, इधर वाली भी है -1, और उनकी करनी है गुणा, यानी -1 × -1। तो अब आपने क्या करना है कि एक को एक से गुणा कर देना है, एक एकम एक, और क्योंकि दोनों ही चिन्ह ऋणात्मक हैं तो दोनों एक दूसरे से लड़कर प्लस हो जाएंगे। लड़ेंगे नहीं, दोस्ती कर लेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर कहेंगे भाई अपा, दोनों मिलके प्लस बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब भी दो ऋणात्मक संख्याओं को गुणा किया जाता है तो वो धनात्मक संख्या में बदल जाते हैं, ठीक है बेटा। तो -1 और -1 की गुणा हो जाएगी +1। आगे बढ़ूँ मैं, ठीक है। आगे देखो अब क्या करना है, अब हमने लेना है पहली रो इधर से -1 और इधर से लेना है -2, और इनके कर देनी है ये गुणा, ठीक है। तो -1 और -2 की गुणा करोगे तो 2 × 2, और दोनों घटा के चिन्ह मिलकर +2, तो ये आ जाएगा आपका जमा का 2। दिख रहा है आपको, ये आ गया जमा का 2। ऐसे ही -1 और -3 की करेंगे तो 3 × 3, और -4 और -1 की करेंगे तो 4 × 4। ये सारी गुणा करके मैंने पहले ही यहाँ ब्लॉक में भर दी हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बार बार कह रहे थे कि मैम आप भर के दिया करो। अब हम सेकंड कॉलम पे चलते हैं। -2 को -1 से करना है तो 2 × 2 आएगा। फिर मैं देखो कलर चेंज करके दिखाना चाहूँगी आपको। फिर -2 को -2 से करेंगे तो 4 आएगा। फिर -2 को -3 से करेंगे तो 3 × 2 = 6 आएगा। और फिर -2 को, ओहो ये बहुत बड़ा हो गया, एक मिनट भाई देखो ये यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। फिर हम -2 को -4 से करेंगे तो +8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बारी बारी से ये सभी गुणा करनी है। ऐसे ही थर्ड कॉलम -3 और -1 को करेंगे। फिर -3 और -2 को करेंगे 6 आएगा। -3 और -3 की करेंगे 3 × 3 = 9 आएगा। -3 और -4 की करेंगे तो 3 × 4 = 12 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलती हूँ अब मैं, देखे जरा। ऐसे ही -4 और -1 की करेंगे 4 × 4, ठीक है। -4 और -2 की करेंगे भाई -4 × -2, 4 × 8 पाड़ा पढ़ना है, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही -4 और -3 की करेंगे, ठीक है। और -4 और -4 की करेंगे तो क्या सिखा दिया मैंने आपको कि 4 × 16, संख्या को संख्या से गुणा करना है और दो ऋणात्मक संख्याओं की गुणा जमा में बदल जाएगी। आपको एक और उदाहरण मैं यहाँ देती हूँ। मान लो 3 और 4 है, 3 को 4 से गुणा करो, हम सबको पता है 3 × 12। लेकिन अगर हम 3 को -4 से गुणा करते हैं तो 3 × 12 तो होगा, लेकिन 3 तो जमा का है 4 घटा का है, एक संख्या जमा की और दूसरी घटा की, तो आंसर घटा का आएगा। -3 को -4 से गुणा करेंगे तो भी 4 × 3 = 12 घटा का आएगा, और -3 को -4 से गुणा करूँगी तो 3 × 12 घटा जमा आएगा। हम क्या सीख रहे हैं कि 3 और 4 की गुणा का उत्तर हर बार 12 ही आएगा, लेकिन हमें उसके जमा घटा के चिन्ह देखने हैं। अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह
ध्यान देना भाई इस बात पर, अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है तो उत्तर हमारा धनात्मक आएगा, लेकिन अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह विपरीत है तो हमारा उत्तर ऋणात्मक आएगा। ये देख लीजिए, दोनों जमा के थे तो 12 भी जमा का, दोनों घटा के थे तो भी 12 जमा का, लेकिन अगर दोनों में से एक घटा का है तो 12 घटा का हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से आप इन गुणा को सभी को बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब हम चलते हैं इसी प्रश्न के चौथे भाग पर, ठीक है बेटा। चौथे भाग में भी क्या करना है, गुणा करनी है, तो 2 और -3 की गुणा कर दो, 2 3 6, 2 जमा का है, -3 घटा का है, जमा घटा घटा। अब ये भी सिखाया मैंने, अगले पे आ जाओ, 2 की 7 से करनी है, बहुत आसान है, 2 7 14, फिर 2 की 0 से करनी है, 2 0 0, और 2 की लास्ट पे आ जाओ, 2 को -2 से गुणा करना है, तो 2 गुणा -2 कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप ये देखो कि यहाँ 0 है, तो 0 को 2 से करोगे तो भी 0 आएगा, 1 से करोगे तो भी 0 आएगा, 4 से करोगे -4 से तो भी 0, 5 से करोगे तो भी 0 आएगा, यानी 0 को किसी भी नंबर से गुणा करिएगा तो आपका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अब 1 को -3 से करो, तो भाई कुछ भी नहीं करना, 3 एकम 3, जमा घटा घटा, विपरीत चिन्ह तो घटा। -4 को -3 से, यहाँ करने जा रही हूँ मैं, तो -4 को -3 से, -+1 बार भूल जाया करो, 4 3 12 पढ़ दो, 12 तक, दोनों चिन्ह समान है, उत्तर जमा का आ जाएगा। आगे बढ़ूँ, -1 को 7 से करो, नहीं 1 को 7 से, 1 7 7, और 1 को -2 से करो तो 1 2 -2। दो खास बात आपने यहाँ पकड़नी है बेटा कि 0 से गुणा करो तो सारा उत्तर 0 आ जाता है, और किसी संख्या को 1 से गुणा करो तो वो संख्या खुद आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तालिका मैंने यहाँ पूरी कर दी, फटाफट बता देती हूँ मैं, यहाँ पर आपको -4 और -7 की गुणा -28 आ रही है, -4 और 0 की गुणा 0 आ रही है, -4 और -2, 4 2 8, दोनों घटा के हैं, जमा का आ रहा है। 5 को -3 से करेंगे, 5 3 15, जमा घटा घटा आ रहा है, 5 7 35 आ रहा है, बहुत आसान है, 5 को 0 से करोगे 0 आ रहा है, बहुत आसान है, 5 को -2 से करोगे तो जमा घटा घटा का 10 आ रहा है। तो ये हमारी प्रश्न संख्या 9 पूरी हो जाती है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, नीचे दिए गए वर्ग में क्या खास बात है, ढूंढ कर लिखो, ठीक है। आप देखो ये वर्ग है, इसके अंदर ये 9 खाने हैं और 9 संख्या लिख रही हैं, दिख गई हम सबको ये 9 संख्या है। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ -4 है और यहाँ 1 है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, ध्यान देना मेरी बात पर मैं क्या बता रही हूँ, अगर मैं ऊपर वाले 3 खानों की संख्याओं को जोड़ दूँ, ब्लॉक दिख रहा है आपको, 3 जमा -4 जमा 1, तो 3 और 1, ये वाला 3 और ये वाला 1 मिलकर हो जाएंगे 4, और ये बीच में है -4, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे 0, ठीक है। आगे बात समझ में, कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस पूरे कॉलम की 3 संख्याओं को जोड़ते हैं तो उत्तर 0 आता है। अब दूसरी लाइन में आ जाओ, रो में आ जाओ, पंक्ति बोलते हैं इसको, -2 और 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और -2 जमा 0 जमा 2, 2 में से 2 गया 0, इस पंक्ति का उत्तर भी कितना आ गया, 0 आ जाता है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ूँ, तीसरी पंक्ति पर चलो, तो इन तीनों का जोड़ भी कितना आ रहा है, देखो मैंने यहाँ कर रखा है -1 जमा 4 घटा 3, 4 तो हो गया, जमा का घटा 3 और घटा 1 घटा 4, तो मिलकर 0 हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ूँ मैं, अब हम आ जाते हैं कॉलम पे, कॉलम होते हैं खड़े हुए वर्टिकल, ये है बेटा हमारा कॉलम, ध्यान से देखना, ये है हमारा कॉलम। जब मैं पहले कॉलम की बात करती हूँ, ये है पहला कॉलम, तो इसमें क्या क्या है आपके पास संख्याएं, ध्यान से देखो, 3 है, -2 है, -1 है, -2 और -1 मिलकर हो जाएंगे -3, 1 3 ऊपर है, 3 और -3 को जोड़ो, उत्तर कितना आएगा, 0, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी ये 0 लिखा हुआ है।
इसी तरह इन तीनों का जोड़ भी जीरो आएगा और इन तीनों का जोड़ भी जीरो आएगा। तो ये जोड़ आप जैसे मैंने कर रखा है इसी तरह इसको कर लेना और फिर ये लाइन लिख देना कि सभी कॉलमों और पंक्तियों का योग जीरो है, सभी विकर्णों का योग भी शून्य है। ये चीज़ हमने नहीं देखी, सभी विकर्णों का योग भी शून्य है। देखो ज़रा ध्यान से, अब आप ये हो जाता है, ये टेढ़ा नहीं आएगा हमारे पास। तो मैं आपको एरो से बताती हूँ, ये हैं तीनों संख्याएं विकर्ण में। ध्यान से देखो, तीन जीरो माइनस तीन, तीन जमा जीरो जमा माइनस तीन मिलकर कितना हो जाएगा, शून्य। ठीक है, और एक और विकर्ण है अब हमारे पास, उसको भी देख लो, ये वाला। तो यहाँ एक है और यहाँ माइनस एक है, बीच में तो जीरो है, इसका कोई मतलब ही नहीं पड़ता। एक और माइनस एक भी जीरो आ जाता है। तो ये सारा रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं बोलकर भी बता रही हूँ अगर किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही हो। सभी कॉलमों और पंक्तियों का योग शून्य है, सभी विकर्णों के अंकों का योग भी शून्य है, बल्कि आप यहाँ लिख देना सभी विकर्णों के अंकों का योग भी शून्य है, और यहाँ भी लिख देना सभी कॉलमों और पंक्तियों के अंकों का योग भी शून्य है। तो ये थे प्रश्न संख्या 10। अब आगे कहता है कि इसी पैटर्न को ध्यान देना है, इसी पैटर्न के आधार पर निम्न वर्ग को पूरा करो। पैटर्न पकड़ा आपने, पैटर्न पकड़ा, क्या पैटर्न पकड़ा कि हमारे पास सभी रो कॉलम और पंक्तियों का जोड़ जीरो आ रहा है। तो ऐसा ही अब हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, अब यहाँ जरूरी नहीं विकर्णों का योग जीरो आए, लेकिन रो और मतलब रो का मतलब होता है ये पड़ी हुई रेखाएं, कॉलम का मतलब होता है ये खड़ी हुई रेखाएं, इनका योग हमें जीरो सिद्ध करना है। तो देखो क्या दे रखा था, यहाँ था माइनस छः माइनस एक और तीन। अब दो ऋणात्मक संख्याएं थी, ध्यान से समझना, माइनस का छः और माइनस का एक, कितना बन गया माइनस का सात। जोड़ रही हूँ मैं छः और एक, सात। और यहाँ था तीन, तो यहाँ मैं क्या लिखती कि मेरा सात बन जाता, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया चार। चार और तीन मिलकर बन गए जमा का सात, घटा छः और घटा एक मिलकर बन गए घटा का सात, और चारों का जोड़ फिर हमारा क्या बन जाएगा, जीरो। तो इस तरह से हमने इस ऊपर वाले पैटर्न को यूज किया और यहाँ हमारा फिलअप में आ गया चार। आगे बढ़ो, अब देखो इसमें तीन अंक दे रखे हैं, सात है आपका, माइनस पाँच है और दो है। तो सात और दो का योग नौ आ रहा है, जमा का नौ। तो माइनस पाँच में क्या जोड़ूँ कि माइनस नौ आ जाए, तो वो अंक बनेगा माइनस का चार। ठीक है ना, माइनस पाँच और माइनस चार दोनों को जोड़ते हैं, हमारा बन जाएगा माइनस नौ, और सात और दो का योग भी नौ बन जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा इस पूरे कॉलम का, जो इस रो का योग भी शून्य आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अब आपने देखो मैंने कहाँ भरा, अब मैंने कॉलम पकड़ा यहाँ पर इस कॉलम में। अब आप एक इस रो में ना केवल आठ दे रखा था, बाकी सारे मैंने भरे हैं, तो इतना तो समझ आएगा नहीं। इसमें भी दो ही दे रखे तो ये समझ नहीं आएगा। तो उससे पहले हमने क्या करना है, हमने इसको पकड़ लेना है। इसमें हमारे पास माइनस छः था, सात था और जीरो था, केवल यहाँ लिखना रह रहा था। ठीक है ना, तो सात और जीरो जमा जमा के, तो ये दोनों मिलके तो हो गए सात, और यहाँ माइनस छः था तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पकड़ा ये वाला कॉलम, ध्यान देना, फिर मैंने पकड़ा ये वाला कॉलम। अब इसमें ध्यान दो भैया आप लोग, आठ और दो हैं दस, माइनस एक दे रखा था तो मैंने यहाँ माइनस नौ भर दिया, तो इन दोनों सर्कल का जोड़ हो गया माइनस दस, और इन दोनों का जोड़ हो गया प्लस दस, और 10 और माइनस 10 मिलके हो जाएंगे जीरो। तो इस तरह हमारे बहुत सारे अंक भर गए ना। अब हम कहाँ आ जाएं, अब हम इस कॉलम पे आ जाते हैं। इस कॉलम में हमें जीरो मिल गया, माइनस नौ मिल गया, पाँच मिल गया, तो चार भर देंगे, और ऐसे ही बाकी के वर्गों को भी हम भर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट मैंने बीच में छोड़ दिया आपको समझाने के लिए। देखो जरा कैसे, पांच वर्ग हैं, एक मैंने भर भी दिया है, दूसरे वाला ये वाला मैंने ऑलरेडी भर दिया है। कैसे भरा देखो जरा समझो, दस और दो बारह, बारह और छः कितना है अठारह, तीनों हमें दे रखे थे। ठीक है, उससे पहले एक मिनट पे, उससे पहले हम करेंगे ये वाला वर्ग। देखो ध्यान से,
इसमें हमें क्या दे रखा था, 7 और 1 8 और 8 16, तीन अंक थे जमा के, 8 जमा 1 जमा 7 ये बन रहा था 16। मुझे चाहिए 0, मुझे माइनस का 5 दे रखा था और यहाँ मुझे ऐसी संख्या लिखनी थी कि दोनों मिलके 16 बन जाएं। तो माइनस के 5 में जब मैंने माइनस का 11 जोड़ा तो ये बन गया माइनस का 16। तो एक जमा का 16, एक घटा का 16, तो मेरे इस पूरे के पूरे कॉलम का जो जोड़ आया वो कितना आ गया, 0। भर गया आसानी से। अब जब ये वाला कॉलम हमारा भर जाता है, ये वाला, तो हमें ये वाला कॉलम भरना भी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ये 11 तो मिल चुका है, 6 दे रखा है, 2 दे रखा है, 10 दे रखा है, यहाँ ढूंढना था, जमा के ढूंढो। अब क्या है, टिक लग रहा है, देखो ध्यान से, 10 और 6 16 और 2 18 और 11 ऑलरेडी है, तो यहाँ घटा का हमने 7 भर दिया तो 18 बन गया, जमा का 18 और घटा का, देख लो भाई, 6 और 10 16 और 2 18, तो जमा का बन गया और इन दोनों से बन गया घटा का 18 और जमा 18 घटा 18 मिलके बन गया 0। अब बाकी में आप दिमाग लगाओ कि हम कहाँ से शुरू करें, कौन सा कॉलम लें या कौन सी रो हम यहाँ पर लें। अब आप ये देखो कि अगर हम इस वाले विकर्ण पर विचार करें, ध्यान से देखना भाई, तो ये देखो बेटा 10, एक मिनट भाई पेंसिल चेंज करती हूँ, 10 और 7 17, ठीक है, और माइनस 4 और 1 माइनस का और 12 माइनस का, तो 12 और 1 13 और 4 17, यानी 17 जमा का आ गया और 17 घटा का, तो इसमें विकर्णों का योगफल भी शून्य आ रहा है, पहले वाले में नहीं आ रहा था, ध्यान देना इस बात पे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके अब हम देखो बाकी सब में ना चक्कर क्या है, सब में दो दो खाने बच रहे हैं, तीन तीन अंक हैं, दो दो खाने बच रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला विकर्ण देखते हैं। अब इस विकर्ण में ध्यान दो बेटा कि 8 और 6 हमें मिल गया 14, ठीक है, और ये दोनों बन रहे हैं माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4, तो अगर मैं यहाँ माइनस का 10 लिख दूँ, ध्यान से देखना, तो ये नीचे वाले तीनों मिलकर, ध्यान दो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ लिख दूँ माइनस 10, तो नीचे वाले तीनों हो जाएंगे माइनस का 14, ऊपर वाले दोनों हो जाएंगे प्लस 14, और विकर्णों का योग भी आ जाएगा 0, और उससे हमारा सवाल आसान भी हो जाएगा। तो हमारे पास अब यहाँ भरना है माइनस का 10, ठीक है, ये मैंने वर्कबुक में जानबूझकर नहीं भरा था आपको समझाने के लिए। अब आ जाओ आप इस वाले कॉलम पे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना भाई, तो माइनस 4 और माइनस 10 हो गए माइनस के 14, और ये हो गया 3 और 2 5, तो यहाँ क्या लिख दूँ, 9, अगर मैं यहाँ 9 लिख देती हूँ तो 9 और 3 12 और 2 14, तो जमा का हो जाएगा, और माइनस 10 और माइनस 4 माइनस 14 0 बन जाएगा। तो मैं एक बार इसको साफ़ करके फिर लिख देती हूँ, यहाँ मैंने आपको बताया था कि क्या लिखना है, माइनस का 10 और यहाँ आ जाएगा बेटे 9। अब इस कॉलम पे ध्यान, इस रो पे ध्यान दो जल्दी से, 9 और 1 10, जमा का 1 और जमा का 9 हो गया 10, और ये हो रहा है 12 और 3 15, भाई माइनस का 15 बड़ा पड़ रहा है और ये 10, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 5, तो हमारा 9 और 5 14 और 1 15 जमा का और 15 घटा का हो जाएगा। अब सबसे नीचे वाली पे आ जाओ, घटा का 10 और घटा का 6 तो बन रहा है 16, और जमा वाले देखें तो बेटा 11 और 7 मिलके बन रहे हैं 18, तो यहाँ हमारा आना चाहिए माइनस का 2, तो 18 से 18 कट के 0 आ जाएगा। अब हम इस वाली रो पे आ रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ पार्ट इसका मिटाना चाह रही थी लेकिन अब आपको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, 5 9 माइनस 2 माइनस 10, ये मैं एक बार यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये था बच्चे 5, ये था 9, ये था बेटा माइनस 2 और ये था बेटा माइनस 10। अब मैं ये वाला कॉलम देख रही हूँ, तो 4 और 10 14, जमा का हो गया 14, नीचे है 3 और 2 माइनस का 5, इसका मतलब यहाँ आ जाना चाहिए माइनस का 9, क्लियर है। अब हम इस वाले कॉलम रो पर चलते, रो जो पड़ी हुई है, वो रो जो खड़ा हुआ है वो कॉलम पंक्ति, ठीक है। तो अब देखो भाई, 5 घटा का, 1 घटा का और 9 घटा का, तीनों घटा के मिलके कितने हो गए, 9 और 5 14 और 1 15, जबकि यहाँ केवल 3 बच रहा है, यहाँ आ जाएगा आपका 12, ये बेटा 12 है, सफाई से लिख लेना, ये है आपका 12। अब बच जाता है ये वाला कॉलम,
तो ध्यान देखो, 12 से 12 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो यहाँ मेरे हिसाब से आएगा 0, ठीक है। क्योंकि देखो ना, 6 घटा का 6 जमा का 0 बन गया, 12 घटा का 12 जमा का 0, तो और कोई अंक डल नहीं सकता, तो 0 डलेगा। और इस वाले लास्ट कॉलम पे आ जाओ भैया बाप, तो 11 और 5 16 है, 7 और 1 8 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8। इससे अब आप देखो, आपके सभी कॉलम और सभी पंक्तियों का योग 0 हो जाता है। आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके ये वाला अपना खुद ही भर लेना, ठीक है भाई, समझ आया आपको। आगे बढ़ूँ मैं, तो ये था प्रश्न संख्या 10, आगे बढ़ते हैं, ये है बेटा प्रश्न संख्या 11। बहुत ध्यान से देखना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, बहुत ही आसान है, आगे पीछे करना होता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, 3 जमा 4 4 जमा 3 के बराबर होता है, जिसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। 3 जमा 4 जमा 5, इतनी सी बात को समझ लो, 3 जमा 4 जमा 5 के बराबर होता है। क्या मतलब है? पहले 3 और 4 को जोड़ के 5 जोड़ दो, या 4 और 5 को जोड़ के 3 जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सहचर्य नियम कहलाता है। तो यही बातों पर हमारे फिलअप्स हैं। माइनस ए जमा 6, ए आगे था 6 पीछे था, इसमें 6 आ गया तो पीछे क्या आ जाएगा? माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना, और कोई संख्या तो हम लिख ही नहीं सकते यहाँ पे। अब माइनस 8 में क्या जोड़ूँ कि 0 आ जाए? तो वो आ जाएगा जमा का 8। आगे बढ़ूँ, 2 जमा, ये ब्रैकेट पहले है, 9 जमा घटा 6। अब इसने क्या किया, 2 जमा 9 को इकट्ठा कर दिया, तो घटा का 6 पीछे चला जाएगा। आगे हैं लास्ट पार्ट, 15 जमा खाली स्थान बराबर है 15, यानी 15 में क्या जोड़ूँ कि 15 आ जाए? तो बेटा 0 जोड़ दो, ख़त्म बात। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर, फटाफट देखना है। ये कहता है कि 6 घटा 1 गुणा 4 जमा 5 भाग 5 को रीना और टीना ने इस प्रकार किया, तुम रीना और टीना में से किसे सही मानते हो और क्यों? देखो, रीना ने तो क्या किया, मैं पहले आपको रीना का सवाल करके दिखाती हूँ। 6 घटा 1 गुणा 4 जमा 5 भाग में 5, रीना ने पहले इन दोनों को घटा के 5 कर दिया, गुणा इसको ऐसे का ऐसा 4 लिख दिया, 5 को 5 से भाग करके 1 लिख दिया, फिर उसने 5 को 4 से गुणा करके 20 जमा 1 21 आ गया रीना का उत्तर, ठीक है। अब टीना रानी ने क्या किया, ये भी देख लो भैया, 6 घटा 1 गुणा 4 जमा 5 भाग में 5, टीना रानी ने क्या किया, 6 को तो यूं का यूं लिखा, घटा को यूं का यूं लिखा, और इन दोनों को गुणा कर दिया 4 एकम 4, और इन दोनों को भाग कर दिया, 5 को 5 से भाग करा 1। अब उसने क्या किया, 6 में से 4 को घटाया 2, और जमा का 1 कितना आया, 3, ये टीना रानी ने किया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई टीना और रीना में से कौन सी ठीक है, तो बेटा जी टीना ठीक है, क्योंकि हमारा एक नियम होता है बोडमास का। बोडमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले आपने कोई भी ब्रैकेट खोलनी होती है, फिर ओफ, ओफ का मतलब कहीं भी का के की लिखा है तो उन गुणा को हल करना है, डिवीजन, डी फॉर डिवीजन इंग्लिश में बोल रही हूँ मैं, हिंदी में भाग कहते हैं, एम फॉर मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करनी होती है, ए फॉर एडिशन का मतलब जमा करनी होती है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन का मतलब उसके बाद घटा करनी होती है, अगर किसी एक सवाल में ये सारे चिन्ह दिए गए हैं तो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब आप ये देखो कि रीना ने गलत किया, टीना ने सही किया। सबसे पहले टीना ने किया भाग 5 को 5 से, कितना आ गया 1, फिर किया गुणा 4 और ये 6, तो हमारे हिसाब से टीना सही है, क्योंकि उसने बोडमास के नियम का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने अपनी वर्कबुक में लिखना है। आगे है हमारी प्रश्न संख्या 5, जो कि बहुत ही सरल है, उसको मैं जल्दी से समझा देती हूँ। ये है बेटा 13वां प्रश्न, पूर्णांकों का गुणन। ये क्या कहता है, 2 गुणा 4, वैसे तो हमें पता है 2 गुणा 4 का मतलब 8 होता है, लेकिन 2 गुणा 4 का क्या मतलब है, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, 2 कितनी बार, 4 बार, तो 2 जमा 2 4, 4 और 2 6 और 2 8, तो इस तरह से 2 गुणा 4 हमारा 8 आता है। और जब हम इसे संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, हम 2 तक चले एक बार, फिर उतनी दूर फिर चले एक बार, फिर उतनी दूर एक चले फिर एक बार, और उतनी दूर फिर चले एक बार, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी कितनी दूर चले हम, 2 2 कदम चले,
एक्चुअल में हम कहाँ जाकर पहुँचे, 8 पर पहुँचे, तो 2 × 4 का मतलब हो गया 8। तो यहाँ पर आपको ये बात गुणा के तरीके से, तो हमें पता है ये पहाड़े हमने सीख रखे हैं, लेकिन इसको जमा के तरीके से बताया है और इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है यह बताया है। तो इसका दूसरा भाग देखते हैं, -3 × 2। अब -3 बार तो हम ले नहीं सकते, 2 बार ले सकते हैं, तो -3 को 2 बार जोड़ेंगे, तो -3 × -3 -6 हो गया। संख्या रेखा पे कैसे दिखाओगे, माइनस की संख्या बाईं तरफ होती है, तो ये 0 है आपका, ये 0 है, -1 -2 सीधा यहाँ से यहाँ कूद गई मैं, और इतनी दूर एक बार और कूद गई, यानी कि इतना चौड़ा कदम 2 बार रखा मैंने, इतना कदम 1 बार रखा और इतना कदम तो सीधा कहाँ आ गई कूद के, -6 पे, यानी -3 -3 2 बार कूदा तो -6, -3 को 2 बार गुणा किया तो -6, -3 को 2 बार जोड़ा तो भी -6। ठीक है, अभी कहते हैं इसी प्रकार संख्या रेखा की मदद से इन सवालों को हल करो। तो जल्दी से मैं आपको फटाफट से पहला भाग करके दिखाती हूँ, -2 × 4, यानी देखो एक जमा की और एक घटा की होगी तभी बात बनेगी, दोनों घटा की होंगी तो ये संख्या रेखा पर हम ऐसे नहीं दिखा सकेंगे। ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे आगे बड़ी क्लासेज में फिर। तो -2 × 4 का क्या मतलब है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -1 -2 -3, ये -4, ठीक है, ये -5 -6 -7 -8 -9 -10 हो गया। अब हमने लेना -2, ये मैं रंग चेंज करती हूँ, 0 से सीधा -2 पे, यानी 2 बार कूदना है, फिर सीधा 2 बार कूदना है, फिर 2 बार और फिर 2 बार, और कुल कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार हम 2 2 2 2 बार पीछे चले तो हम कहाँ पहुँच गए, -8 पर। दिखा दिया संख्या रेखा पर, इसी को आपने सफाई से अपनी नोटबुक में कार्य पुस्तिका में बनाना है। अगला है 2 × -3, यानी -3 को 2 बार लेना है, तो मैं इससे ऊपर वाली संख्या रेखा पे ही आपको दिखाना चाहूँगी, ये है -8 और ये है -9, ये करा रही हूँ मैं आपको, -3 1 बार, -3 2 बार और -3 को 3 बार लोगे, -3 दो ही बार लेना था, तो ये हमारा -6, यानी वहीं पर आ गए हम। आगे बढ़ूँ मैं, अब हमने लेना है -5 को 2 बार, 2 × -5, तो -5 का मतलब मैं सीधा यहाँ कूदी, पर्पल कलर पे ध्यान देना, -8 -9 और इतनी ही दूर पे हो गया -10, और इतनी ही दूर एक बार और कूदूँगी भाई, 5 बार पीछे गई, फिर 5 बार पीछे गई तो मैं 10 बार पीछे गई, तो मेरा आ गया -10। तो जैसे मैंने ये संख्या रेखा यहाँ बनाई है, ऐसे ही बच्चों आपने वो संख्या रेखा अपने सवाल के सामने बनानी है अपनी कार्य पुस्तिका में। पहले से मैंने इसलिए नहीं बनाई, फिर समझाने में दिक्कत आ जाती। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14, 3 पूर्णांकों का योग समझा रखा है संख्या रेखा से, मैं इसी में आपको बताऊंगी, -3 -5 जमा 4। हम यहाँ खड़े हैं 0 पे, -3 का मतलब 3 बार पीछे आना, यहाँ आ गए, -5 जुड़ गया, यानी फिर 5 बार पीछे जाओ भैया, तो यहाँ आ गए। अब हम कहाँ खड़े हैं, -8 पे, जमा चार का मतलब यहाँ से 4 बार आगे जाना है, मैं कलर चेंज करती हूँ, 1 2 3 4 बार आगे गए तो कहाँ पहुँच गए, ये -4 पर पहुँच गए। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था कि 3 को अलग छोड़ दो, पहले एक मिनट ऊपर देखें, 3 को अलग छोड़ दो, -5 जमा 4 ले लो, तो -5 का मतलब 5 बार पीछे, ये करा रही हूँ मैं ध्यान देना, -5 1 2 3 4 5, -5 5 बार पीछे गए, फिर 4 बार आगे गए, 1 2 3 4, हम पहुँच गए -1 पर, ध्यान देना, यानी कि इस, एक मिनट बेटा, यानी कि इस ब्रैकेट का मतलब है -1, तो ये बन गया -3 जमा -1। अब -3 का मतलब -1 -2 -3 और जमा -1 का मतलब उसी दिशा में 1 बार और पीछे जाओ,
तो हमारा उत्तर आ जाएगा माइनस का 4। तो दोनों तरीकों से हमारा उत्तर माइनस 4 आ गया। तो बेटा ये थी आपकी पृष्ठ संख्या 4 और 5। बाकी के पृष्ठ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। अगर मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो बार बार मैं आपको कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, एक बेल का निशान होता है उसको दबा देना, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर डालूँ तो आपको तुरंत से मिल जाए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना है। थैंक यू।